बचपन में फैमिली आउटिंग्स का मतलब होता था जू जाना, एंड आई एम श्योर कि उन जू विजिट से जुड़ी हुई आपके पास बहुत सारी हैप्पी मेमोरीज भी होंगी, और मुझे आपको उन मेमोरीज के बारे में कुछ बताना है। शाइनी ने तो जो आपको बताना है सो बताना है। मुझे लगता है कहीं में बच्चे जब देखते हैं ना कि हमने पिंजरे में किसी को रखा हुआ है, हम इसको देख के खुश हो रहे हैं और हमारे माँ बाप कह रहे हैं ये सही है, उनके दिमाग में बड़ी गलत एसोसिएशन क्रिएट हो जाती है। अब जू के पिंजरे इतने बड़े बड़े होते हैं कि हमें ये एहसास ही नहीं होता कि वो जानवर कैद में है। अब एक शेर जिसे जंगल में 5000 एकड़ में रहने की आदत है, उसको जू में 500 गज से भी कम जगह मिलती है, तो ये कैद नहीं है तो और क्या है। एक तो कैद में रहना वैसे ही बुरा है, और ऊपर से क्योंकि वो अपने खाने और पानी के लिए दूसरों पे निर्भर है, बहुत बार वो भूखे प्यासे ही रह जाते हैं, और साथ ही साथ इनको डिसिप्लिन करने के लिए मारा पीटा भी जाता है। अब हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं उनको डिसिप्लिन करने के लिए अगर मारपीट की जाए तो हमें आके शिकायत कर सकते हैं। अब बताइए ना ये जानवर किसके पास जाएं और कैसे शिकायत करें। इतनी गुस्से किस लिए मारा भाई? हमको हमारा काम ना बताइए। मार क्यों रहे हो? हमारा काम हमको मत बताइए। अब इन भूखे प्यासे जानवरों को जब कोई खाना डाल भी देता है तो वो भी इनके लिए अच्छा नहीं होता। ये जानवर वैसे भी बहुत तनाव में होते हैं क्योंकि जू में ध्यान नहीं दिया जाता कि किस जानवर को किसके पड़ोस में रखा जा रहा है। एक हिरन जो शेर के बाजू में है वो सारा दिन सूखता रहता है कि भाई किस दिन ये शेर निकल आएगा, मुझे खा जाएगा, और यहाँ पे शेर को होता है कि यार मैं इस हिरन तक पहुंच क्यों नहीं पा रहा। ऐसे तनाव के चलते ये लोग शट डाउन रहते हैं, पर जब हम लोग समय खर्च करके टिकट का पैसा खर्च करके जू पहुंचते हैं तो हमें तो इनकी अटेंशन चाहिए, उसके लिए हम इन पे तरह तरह की शक्लें बनाते हैं, हम पत्थर मारते हैं, हम चाहते हैं कि हमें अपनी अटेंशन दे, और ये लोग और तनाव में आ जाते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं। और जब हम बच्चों को जू ले जाते हैं कहते हैं कि भाई ये सब सही है, तो कहीं पे हम उन्हें सिखा रहे होते हैं कि दूसरों को अपनी खुशी के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना, कंट्रोल करना सही है। और यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो यही हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में समस्या पैदा करता है, यही वर्क प्लेस में एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब देखिए, हम इन जू को तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन जो छोटे छोटे जू हमने अपने घर में चला रखे हैं, जैसे कि एक्वेरियम, या फिर किसी डॉग को एक छोटी सी चेन के साथ बांध के रखना, या फिर किसी बर्ड को पिंजरे में रखना, ये सब तो हम बंद कर ही सकते हैं ना। और एक चीज और कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर करके लोगों को अवेयर कर सकते हैं।